कोहले ने देर रात तक अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। विधायक रिहायशी इलाके के मकान में बने एक गोदाम में हकीकत जानने पहुंचे थे। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM महिला द्वारा स्व सहायता समूहों से बच्चों की स्कूल ड्रेस सिलवाई जाती है। ये ड्रेस शासकीय स्कूलों में वितरित की जाती है। पिछले 7 सालों से जो स्व सहायता समूह ये काम कर रहे थे, उन्हें इस बार ड्रेस सिलाई का काम नहीं मिला। ये काम ऐसे समूहों को मिला जो सिलाई जानते ही नहीं। विभागीय मिली भगत से व्यापारी रेडीमेड ड्रेस समूहों से सप्लाई करा रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें काम देने के एवज में NRLM के DPM द्वारा 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। इसकी ऑडियो क्लिप भी महिलाओं ने जारी की। महिला समूह की सदस्यों को व्यापारी के स्कूल ड्रेस गोदाम की जानकारी लगी तो वे वहां पहुंच गईं। उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से की है। कोई कार्रवाई ना होते देख वो मंडला जिले की निवास विधानसभा में कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्स कोहले के पास पहुंचे। विधायक महिलाओं के साथ गोदाम पहुंचे। गोदाम का ताला खुलवाने के दौरान आधी रात तक हंगामा होता रहा। आखिरकार प्रशासन ने गोदाम को सील कर अगले दिन कार्रवाई की। ये है मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की निवास विधानसभा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्स कोहले। विधायक फोन पर जिले के अधिकारियों से लेकर कमिश्नर तक को मोबाइल पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। विधायक चाहते हैं कि प्रशासन गोदाम का ताला खुलवाए और ये देखे कि क्या हकीकत में गोदाम में रेडीमेड स्कूल ड्रेस भारी मात्रा में है कि नहीं। काफी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो, लेकिन रात का हवाला देते हुए ताला खुलवाने में असमर्थता जाहिर कर दी। इसके बाद विधायक का पारा चढ़ गया। विधायक ने सभी आला अधिकारियों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। मामले की जानकारी लगते ही विधायक के समर्थक भी मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। 3.5 घंटे से यहाँ पर हूँ। कलेक्टर से लेकर SP और कमिश्नर से सबसे मेरी बात हो गई है। अभी तहसीलदार आए हैं। तहसीलदार का ये कहना है कि ताला अभी नहीं खुल पाएगा और सील भी नहीं हो पाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मैं विधायक हूँ, 2.5 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर संबंधित कोई भी अधिकारी नहीं आया। एकमात्र जो है नायब तहसीलदार अभी आया है, बाकी छोटे छोटे सब अधिकारी आए हैं। ये क्या तरीका है? एक बहुत बड़े करप्शन की बात यहाँ पर हो सकती है, उसकी गुंजाइश हो सकती है। अगर कोई समूह की महिलाएं कंप्लेंट कर रही हैं कि उनको नहीं मिला, मतलब ये कौन सा ये आत्मनिर्भर भारत है कि मध्य प्रदेश भारत है कि शोषण है महिलाओं के साथ में, उनके साथ अभद्रता की है। वहीं मां रेवा आजीविका वस्त्र निर्माण समिति की अध्यक्ष ने बताया कि उनकी समिति 7 साल से स्कूल ड्रेस निर्माण का काम कर रही है। उनकी समिति की वजह से ही प्रदेश में ये काम शुरू हुआ और शासकीय स्कूलों में वितरित होने वाली ड्रेस का निर्माण महिला स्व सहायता समूह से कराया जा रहा है। पिछले साल भी उन्होंने 2,25,000 ड्रेस का निर्माण किया था। इस वर्ष उन्हें काम नहीं दिया गया। काम देने के एवज में उनसे NRLM के DPM द्वारा 25 रुपए प्रति ड्रेस के हिसाब से 1,00,000 ड्रेस के ऑर्डर के बदले 25,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। मांग पूरी न होने की वजह से हमें काम नहीं दिया गया। ऐसे समूहों को काम दिया गया जिनका सिलाई कढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं है। व्यापारियों से मिली भगत कर अधिकारियों ने रेडीमेड ड्रेस व्यापारियों से स्व सहायता समूह को उपलब्ध कराकर वितरित करवाने का काम किया है। हमें जानकारी लगी कि सुभाष वार्ड स्थित गोदाम में भारी मात्रा में ड्रेस रखी हुई है। हमने इसकी शिकायत सब जगह की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे समूह में 350 महिलाएं हैं जो ड्रेस निर्माण कर अपनी आजीविका चला रही हैं। काम न मिलने से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 7 साल से स्कूल ड्रेस का काम कर रही है। हम लोग की समिति की वजह से ही स्कूल ड्रेस का काम पूरी MP में चालू हुआ और हम लोग ने छोटा छोटा करके बहुत बड़ा काम करना चालू कर दिया। हम लोग की समिति में 12 समूह हैं जो जिसमें 350 दीदियाँ स्कूल ड्रेस सिलाई का काम करती हैं और अपना रोजगार रोजी रोटी चलाती हैं। पर इस वर्ष हमको स्कूल ड्रेस का ऑर्डर नहीं मिला और किसी दूसरे स्व सहायता समूह को ऑर्डर दे दिया गया जिनसे ना ही सिलाई आती है, ना ही सिलाई के बारे में कुछ जानते हैं। कुछ दीदियों के पास तो मशीनें भी नहीं हैं और उन लोगों को ऑर्डर दे करके और अधिकारी लोग ने उनसे मिली भगत करके व्यापारी से और उनके अकाउंट से पैसे व्यापारी के खाते में डलवा करके और रेडीमेड का सिलाई का स्कूल ड्रेस का काम करवा रहे हैं। स्व सहायता समूहों और विधायक के दबाव के चलते NRLM के DPM को मौके पर बुलाया गया। DPM के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। स्व सहायता समूह की महिलाओं और विधायक समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। DPM ने बताया कि पूरे जिले में 1,18,000 स्कूल ड्रेस का निर्माण कराया जा रहा है। इसका निर्माण NRLM तेजस्वी और शहरी आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि नियमानुसार ही ड्रेस निर्माण का काम दिया गया है। वहीं 25,00,000 रुपए की मांग किए जाने से वो इनकार कर रहे हैं। पूरे जिले में 1,18,000 से वो स्कूल ड्रेस का सिलने का मामला है। इसमें 3 संस्थाएं काम कर रही हैं, नाले में तेजस्वनी है और आपका शहरी आजीविका मिशन का कार्यक्रम, ये 3 लोग काम कर रहे हैं।
बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्कूल ड्रेस का दिख रहा है, तो हमें आज जानकारी किसका, यदि वो लग रहा है तो वो जो भी कार्रवाई नियमानुसार होता है वो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहना है कि आपके द्वारा 25 लाख की मांग की गई जिसका वो ऑडियो भी जारी किया है। नहीं नहीं वो गलत जानकारी, वो कोई ऑडियो 25 लाख वाला नहीं है, सामने बता रही है। नहीं नहीं सामने बता रही, 25 लाख का मामला ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। क्या नहीं नहीं देखिए इसमें कोई वो मैटर नहीं है, सहायता समूह का हमने जो दिया है पूरे कना से विधि नियमानुसार कार्रवाई हुई है। इस पर सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर मैडम के निर्देश में एक समिति बनी थी, समिति के आधार पे पूरा वेरिफिकेशन हुआ, शिक्षा विभाग के द्वारा जो सील सकते उन्हीं का ऑर्डर मिला है ना, इसमें हमारा वो कोई नहीं। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए, वो दिन में कार्यवाही की बात करते रहे। भारी दबाव के बाद आखिरकार उन्होंने गोदाम बिना खुलवाए ही उसे सील कर पंचनामा बनाया। घटना स्थल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं बड़े अधिकारी? की जाएगी, सब जांच की जाएगी, जांच करने के बाद ही पता पंचनामा बनाना चाहिए। पांच लोगों के सामने ताला सील करना, कोई तैयारी नहीं है आपके द्वारा? मतलब जानकारी में अभी कोई भी उच्च अधिकारियों ने क्या कहा इस बारे में, कुछ तो बताएं आप? विधायक जी से आप मिले हैं, कुछ तो जानकारी होगा आपको इस मामले में? वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर और स्थानीय सांसद व केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। ये बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी मेरे पास में इस संबंध में कंप्लेन आ गया था पिछले सप्ताह अराउंड फ्राइडे सैटरडे को, ये कंप्लेन प्राप्त हुआ था जिसके तारतम्य में अभी हम लोगों ने एक मजिस्ट्रियल टीम उसमें कॉन्स्टिट्यूट किया है और विभिन्न विभाग के भी अधिकारियों की ड्यूटी उसमें हमने लगाई है ताकि हमें एक बार जो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन है, साथ में जो बिंदु हैं जिसके संबंध में कंप्लेन्स लाई जा रही हैं, वो सारे पॉइंट्स का एक क्लैरिटी हमें प्राप्त हो जाए। उसमें रिपोर्ट में जो पॉइंट्स हमने आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई करेंगे। समूह से ही बनाने का है मोटे तौर से, कहीं भी जिले में जहां भी अगर बच्चों के लिए जो ड्रेस बनाते हैं वो समूह से बनाने का है। मैं पता करता हूं कि अगर ऐसा है तो ठीक है, रेडीमेड माल खरीद रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं 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 गलत है, उनको काम देना है, उनको बनाना है, जो भी उनको परिश्रमिक देना है, जितना समय लगता है, मेहनत लगता है, उसका जो भी थोड़ा बहुत कीमत है, परंतु समूह से बनाना है ये है। मैं देखता हूँ उसके लिए। वहीं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए। स्व सहायता जो समूह है वो चयन करने का काम कलेक्टर ने नगर पालिका क्षेत्र के में जो पंजीकृत है वो नगरीय प्रशासन से, और जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो हमारे आजीविका मिशन के माध्यम से जो पंजीकृत होते हैं जनपदों के माध्यम से किए गए हैं, और उनके खातों में पैसा डाला है 75% जो चयनित किए गए, केवल 25% राशि बाद में देंगे जब वो गणवेश तैयार कर लेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से इतनी बड़ी राशि की कोई कर नहीं सकता है। और यदि ये है तो मैं अधिकारी रिश्वत मांग रहा है, कौन से बात, कौन से बात, पैसा डायरेक्ट यहाँ से डाल चुके हैं हम स्व सहायता समूह को, और आप यदि हो तो बताओ, हम जांच की मांग भी की। हाँ तो हम करेंगे ना, वो आजीविका मिशन वालों को जांच में लगाना पड़ेगा, उसमें हमारा तो पैसे डालने काम है क्यों। जब सरकार लगातार स्कूल और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर प्रयास कर रही है, ऐसे में ये मामला काफी गंभीर प्रतीत होता है कि किस तरह बच्चों की ड्रेस निर्माण में भी अनियमितता के सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा शासन से लेकर प्रशासन तक इस मामले में तह तक पहुँचने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।